हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। MRSC टेक्नीशियन में फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं अफजल आलम। देखिए, आज ये यूनिट जामिल कूलिंग एयर कंडीशनर फ्रॉम जामिल का है। ये ठीक है, ये एक तरह से DX मान लीजिए, DX यूनिट है। ये रेस एयर फैन है, लेकिन सेम प्रोसेस अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसा है। तो अभी हम पिछले वीडियो में आपको हम थ्योरी में बताए थे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे काम करता है। आज लाइव आपको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल का वो सभी लाइन आपको दिखाएंगे, कौन कौन से कौन लाइन है। ठीक है, तो आपको देखने में बेनिफिट आएगा। और इसका इधर में ये इंडोर यूनिट है, यहाँ पे ऐसे तो बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे DX टाइप पर पड़े हुए हैं पैकेज, और चिलर भी हैं अदर साइड में। ठीक है, फिलहाल आप जो हम बताए थे आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल का, उसका प्रोसेस बताते हैं। चलिए, तो हम एक एक करके जानेंगे कौन सा लाइन क्या है। देखिए, फर्स्ट हम आ गए कंप्रेसर के पास। ये कंप्रेसर हमारा स्क्रोल कंप्रेसर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ऊपर से लाइन जो निकला है, ये लाइन डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज कहलाता है। जो नीचे से निकला है लाइन, ये सक्शन कहलाता है। ऐसे भी पहचानने का सेकेंड रीजन क्या है, आपका ये सक्शन का लाइन थोड़ा मोटा होता है और इंसुलेशन किया रहेगा, और डिस्चार्ज लाइन थोड़ा पतला रहेगा। ठीक है, तो आप रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर नहीं देखे हैं थ्योरी, तो आप पीछे इसमें लिंक हम देंगे, आप पीछे का वीडियो मेरा देख लें। और अभी फ़िलहाल तो हम रेफ्रिजरेशन साइकिल सिर्फ ओनली बता रहे हैं कैसे कैसे क्या है, बाद में वर्किंग का डालेंगे हम काम करते हुए। ठीक है, फिलहाल आप देखिए समझने के लिए, ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। अब इसमें देखिए आपको एक स्विच नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्विच अपना HP स्विच इसको बोलते हैं, हाई प्रेशर स्विच इसमें लगा। फिर बाकी आपको गैस चेक करना है, तो आप यहाँ पे पिन बल्ब दिया हुआ है, गैस डाट चेक कर सकते हैं। फिर ये सक्शन लाइन आ गया, सेम आपको ऐसा ही स्विच देखने का, डिस्चार्ज लाइन का सेम जैसा स्विच जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये LP स्विच है अपना। ठीक है, और आपका बाकी इधर में जो भी पिन बल्ब वगैरह दिए हुए हैं, तो आप उससे गैस चेक कर सकते हैं। और थर्ड मैंने बताया था आपको कि डिस्चार्ज लाइन के बाद जो है कंडेंसर आएगा, तो कंडेंसर देखिए हमारा ये ऊपर में है, ये सब कंडेंसर कहलाता है। ये जितना आप सर्किट देख रहे हैं ना, ये कंडेंसर कहलाएगा। तो कंडेंसर के बाद जो लाइन निकलता है वो लिक्विड लाइन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिक्विड लाइन आपका ये ऊपर से होकर के आया। ठीक है, ये लाइन, ये जो लाइन है आपको अच्छे से देख नहीं पा रहा है, ये देखिए ये लाइन जो है ये लिक्विड लाइन है। लिक्विड लाइन पहचाने का और आपका ये रीज़न रहेगा, ये रहेगा आपको इसमें ज़्यादा हीट नहीं रहेगा, नॉर्मली एकदम रहेगा, ना गर्म रहेगा ना ठंडा रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। और डिस्चार्ज और सक्शन लाइन में एक और पहचानने का रीज़न है कि जब रनिंग कंडीशन में रहेगा तो डिस्चार्ज लाइन बहुत हीट रहेगा, सक्शन लाइन चिल्ड रहेगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि सक्शन ठंडा है। और दूसरी बात यह है कि लिक्विड लाइन में आपको ड्रायर लगा रहेगा, आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लिक्विड लाइन में ये ड्रायर है। एक्चुअल में यहाँ पे दो कंप्रेसर है, दो सर्किट है, आप लोग देख रहे हैं, हम एक सर्किट का फंक्शन बता रहे हैं आपको, दोनों सेम ही रहेगा। ये ड्रायर लगा रहेगा, सेकेंड आपको देखिए सोलनाइट बल्ब आगे लगाया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें साइड ग्लास भी रहता है, समझ गए। इसको हम आपको बताए थे कि आपका क्या फंक्शन है, किस तरह का प्रेशर रहता है, तो थ्योरी में सब आपको बता दिए हैं कि सब कुछ लिक्विड पोजीशन में रहता है। इसमें आपको लिक्विड यहाँ से जब जाएगा ना, ये अभी अभी बंद यूनिट है, अभी यूनिट को मैं बंद करके दिखा रहा हूँ, ये जब लिक्विड कंडीशन में जब जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब यूनिट। अभी हम आपको इसका इंडोर दिखाएंगे, इंडोर यूनिट मतलब कि एक्सपेंशन बल्ब आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट एक्सपेंशन बल्ब था, ऑपरेटर कॉइल था, तो वो हम आपको दिखाएंगे। इसको फिलहाल तो इसको खोलना होगा। हाँ, तो दोस्तों इसको हम ओपन कर लिए हैं डोर को। ठीक है,
अभी देखिए हम इसके अंदर दिखाएंगे कि लिक्विड लाइन के बाद हम आपको बताया था एक्सपेंशन वाल्व आएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन वाल्व है, लिक्विड लाइन उधर से आ रहा है, उधर बाहर से आ रहा है, आने के बाद आया यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा छोटा छोटा करके पॉइंट करके एक्सपेंड कर दिया गया, फैला दिया गया है, समझ ना। उसके बाद ये देखिए एवेपोरेटर कूलिंग फॉइल है यहाँ पे। एक चीज़ और आपको पता, चलो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेंटिलेशन क्या है, एक्चुअल में ये वेंटिलेशन मशीन है, यहाँ पे जो है ये वेंटिलेशन मशीन है, ये आपका फ्रेश एयर फैन के नाम इसका यहाँ पर दिया गया, फ्रेश एयर फैन इसको बोले या वेंटिलेशन मशीन बोले वैसे में है, क्योंकि देखिए ये ओपन एरिया में है जो है ना, ये ओपन एरिया में है, इधर से हवा सक करेगा एपीए साइड से और इधर से कूलिंग करते हुए इधर में देखिए आगे में डक्ट बनाया है, ये डक्ट जो है ये अंदर बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, फ्रेश एयर ऐड कर रहा है, तो इसको स्पेशल सिर्फ ओनली फ्रेश एयर ऐड करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें इंडोर ब्लोअर वगैरह दिया गया है, मोटर के साथ कनेक्ट किया गया है, इसका जस्ट पीछे फिल्टर है, क्या है फ्रेश एयर ऐड करना है तो इसमें थोड़ा सिस्टम से करेगा। ये तो कूलिंग कॉइल आप देख रहे हैं, सेकंड ये बैक फिल्टर है, बैक फिल्टर ये एक्स्ट्रा जो डस्ट रहता है ना उसको कंट्रोल करता है। फिर इसके अंदर में आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर में प्री फिल्टर है, ठीक है, ये आपको दिखा वो प्री फिल्टर थोड़ा ख़राब हो गया है, ये प्री फिल्टर है यहाँ पे, ये पोजीशन जो है ना ये प्री फिल्टर है, सेकंड बैक फिल्टर है, फिर आपका कूलिंग कॉइल आया, ठीक है, थर्ड आपका ये प्रोसेस है सब। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिए, फिर अभी ये तो नॉर्मली सिर्फ रेफरेंस साइकिल का आपको हम साइकिल दिखा दिए कैसे कैसे क्या होता है इसमें, बाकी हम सभी पर एक वीडियो बनाएंगे, जैसे कंप्रेसर पर एक वीडियो बनाएंगे, फिर कंडेंसर पे, एवेपोरेटर कॉइल पे, हर पे एक अलग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे डिटेल से समझाया जाएगा आपको, और फिर लाइव जब वर्क करेंगे उसका वीडियो डालेंगे। फिलहाल ये रेफ्रेशन साइकिल जो हम पीछे बताए थे उसका डिटेल्स मैंने आपको लाइव दिखाया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह दूसरा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा उसमें समझ में आएगा, तब इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या है कि नया वीडियो जब पोस्ट करेंगे तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा उस चीज़ को, आपको देखने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।